आज एक वर्ष हो गया है जब हमने अपने एक कर्मठ साथी को खोया था और कोविड के कारण लाइन ऑफ ड्यूटी में उन्होंने अपने प्राण निछावर किए थे। इसके बाद अन्य भी हमारे साथी हमने खोए हैं। यह एक हमारे सामूहिक पुलिस की श्रद्धांजलि हम उनको अर्पित कर रहे हैं और ये एक प्रेरणा बनी है हमारे सारे स्टाफ के लिए, सारे पुलिस बल के लिए कि वे अभी भी चाहे कैसी भी चुनौती आए, महामारी है भी, लेकिन अपनी ड्यूटी में कहीं से पीछे नहीं है और पूरी समाज की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। यही इंडिया पुलिस का प्रण है और इसीलिए आज ये श्रद्धांजलि समारोह किया गया। सर, हाल फिलहाल में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, पुलिस विभाग में भी यह तेज़ी से संक्रमित हुए हैं, इसको लेकर के किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि ड्यूटी भी करना है और साथ में इस जो है संक्रमण से भी बचाव करना है। जी, ये जो संक्रमण है इससे बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना सभी हमारे स्टाफ के लिए अनिवार्य है, जैसा कि सभी जनता के लिए भी आवश्यक है। और उसी के साथ साथ हमारा स्टाफ जो है, जो कि फ्रंट लाइन पर रहता है, उनको एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स और ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इसलिए फेस मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोविड नॉर्म्स हैं उनका पालन हो रहा है। साथ ही इम्यूनिटिंग बूस्टर का भी उपयोग कर रहे हैं, स्टीम समय समय पर भाप ले रहे हैं और आवश्यकता के अनुसार जितने साधन बचाव के हो सकते हैं ये सभी उसका उपयोग कर रहे हैं। ये मेरी अपील पुलिस के अधिकारियों के अतिरिक्त सभी नागरिकों से भी है कि ये संक्रमण रोकने में, इसकी जो चेन है इसको तोड़ने में सभी का सहयोग इसमें आवश्यक है। हम सब मिलकर अगर इससे संक्रमण